नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। पाटी क्षेत्र के ग्राम देवलिया में काली रेत का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की गई है। नायब तहसीलदार संजय चौहान ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें 6 ट्रैक्टर काली रेत अवैध परिवहन करते हुए पकड़ाए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है, जिनका प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं पाटी के ग्राम देवलिया में लगातार कई दिनों से लगातार अवैध रेत का वहन हो रहा था, जिसका मीडिया के द्वारा 1 अक्टूबर को प्रमुखता से खबर प्रकाशित भी की गई थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई, जिसमें 6 ट्राली अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। सर, आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई अवैध रेत खनन के? आज कलेक्टर सर के निर्देश पर राजस्व विभाग, माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 6 ट्रैक्टर ट्राली अवैध परिवहन करते हुए जब्त की गई, जो थाने में खड़े किए गए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे? आगे इनका प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, प्रकरण पंजीबद्ध करके कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी जाएगी और जो भी जुर्माने वगैरह की कार्रवाई होगी वो उनके वहां से की जाएगी। सर, इस क्षेत्र में लगातार रेत अवैध खनन हो रहा है? हाँ, ऐसी सूचना मिलती रही है, तो उस संबंध में हम लोग जब भी गए हैं मौके पे हमें इस तरह की चीजें मिलती नहीं थी, वो अब हम लगातार इस तरह की कार्रवाई ही करते रहेंगे। समय जगत के लिए पार्टी से नितिन वर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।